यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कहीं आप हम से मिले थे, इन्हें हम भला किस तरह भूल जाएं। यहीं पर कहीं आप हम से मिले थे। वेरी गुड। जा बच्चे, तू तो पास हो गया, अब जाकर खाना खा ले। नेक्स्ट। ओए हाँ तू जल्दी। क्या नाम है तेरा? सर आलोकेश। आलोकेश फ्रॉम? अब तेरा नंबर है। बोल बेटा कौन सा गाना गाएगा? जिंगारी गोई भड़के, सीने से आग जलाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए, उसे कौन। अरे स्टॉप इट यार। बस 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 बस, इससे पहले कि हमारे कान फट जाएं, गधों की तरह रेंकना बंद कर। अच्छा यार एक चीज बता, अगर नाच गाना नहीं आता तो आता क्या? मैं जानता हूं ये क्या कर सकता। कार्तिक ये हमारे लिए गर्ल्स हॉस्टल जा सकता है। गर्ल्स हॉस्टल? यस गर्ल्स हॉस्टल, अभी और इसी वक्त, समझा? हमारा लव लेटर लेकर तू गर्ल्स हॉस्टल जाएगा। वहां पर एक लड़की है अनीता, वो लेटर तू उसको देगा। उसका रूम नंबर है 105, समझा? कमरा नंबर 105। और वहां जाकर अनीता का साइन भी लेके आना। ये ले लव लेटर और अनीता से इसको साइन करवा कर ला। अगर तूने इस पर साइन नहीं करवाया ना तो समझ तेरा गेम ओवर, ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, सर आप लोग ऐसा मत कीजिएगा सर, प्लीज सर, मुझे मुझे कॉलेज से मत निकालो सर, प्लीज। मेरे मेरे माँ बाप सुनेंगे तो शौक से मर जाएंगे सर। मैं उनका उनका सपना हूँ सर। ये ठीक है सर, मैं आपका ये लेटर अनीता को पहुंचा दूंगा। कर रहे हो? पूजा अपनी रैगिंग पूरी करवा रहा हूँ। रैगिंग? हाँ, मेरे सीनियर से ऑर्डर दिए कि ये लव लेटर जाकर मैं किसी अनीता को देकर आऊँ, रूम नंबर 105 में। रूम नंबर 105? आलोकेश मेरी मानो तो ये लेटर वेटर भूल जा और तुम वापस चले जाओ। नहीं, मैं लेटर दिए बगैर वापस नहीं जा सकता, वरना वो लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे। नहीं। देखो जिद मत करो, अनीता के कमरे में जाना एक बेवकूफी है। नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, जब तक मैं लेटर नहीं दे दूंगा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बस मैंने कह दिया ना, वरना नहीं वरना वो लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। मुझे जाने तो पूजा प्लीज। Huh?
नीता मैडम, अनीता मैडम, अनीता मैडम, कहाँ फंस गया मैं? अनीता मैम, अनीता मैडम, अनीता दीदी, अनीता दीदी, अनीता मैम, अनीता, सुनो 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 सोचो अलोकेश का क्या हाल हुआ होगा, वहां पे चिल्लाया होगा वो, फिर वार्डन आई होगी और पकड़ा गया होगा वो, जिंदगी भर याद रखेगा कि हमसे पाला पड़ा है। मुझे तो लगता है कि वापस ही नहीं आएगा, उस फीमेल वार्डन ने उसे इतने जूते मारे होंगे कि सीधा हॉस्पिटल चला गया होगा। हॉस्पिटल नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन, बिना इजाजत गर्ल्स हॉस्टल एंटर करने के जुर्म में। अबे वो तो आ रहा है। कौन? कौन? अलोकेश। काफी खुश लग रहा है। लगता अनीता ने कुछ नहीं किया। स्ट्रेंज। वार्डन की पिटाई के बाद भी कोई असर नहीं? सर आपका काम हो गया। साइन किया अनीता ने, लाए हो रिसीट, ये रही, और नंबर प्लेट भी। मगर अनीता ने कुछ नहीं कहा? नहीं, एक और चीज दी है अनीता की, एक और निशान। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। तुम तो इसे अच्छी तरह से जानते होंगे। आप लोगों की रैगिंग खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूं? एक्सक्यूज मी। ये कैसे हो सकता है? अनीता का दुपट्टा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिक, मुझे लगता है अनीता के कमरे में गया ही नहीं, क्या मैं बेवकूफ बना रहा है? तो फिर रिसीट और दुपट्टा ये कहां से लाया? ये तो सोचने वाली बात है। कहां चला गया लोकेश? उसे तो मैं पूछ के रहूंगा कि सच क्या है। वो मेरा ऐसा लल्लू नहीं बना सकता। क्या हुआ सिम, ढूंढ रहे किसी को? हे पूजा, हाँ लोकेश को ढूंढ रहा हूँ। ओ, कल रात जो तुम लोगों ने उसे अनीता के कमरे में जाने के लिए कहा, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता है वो कितना डरा हुआ था? Come on, पूजा, इसमें डरने वाली क्या बात है? इतना आसान सा काम तो दिया था हमने उसको। इतना आसान सा काम? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अनीता के कमरे में जाना कितनी बड़ी बेवकूफी है। Stop it यार, I don't need your lectures. वैसे परेशान कर रखा है। अलोकेश, 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 तू रोहित और कार्तिक को बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। मुझे तेरी कल रात वाली किसी बात पर यकीन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अबे ओए, अपना ड्रामा बंद कर, चल चल चल, बता उस रात कमरे में क्या हुआ था। अरे जो कुछ हुआ सब बता तो दिया तुम लोगों को। मुझे तो क्या लंगूर समझता, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तो अनीता से मिला ही नहीं। मिला ही नहीं तो फिर वो दुपट्टा कहां से आया? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि वो दुपट्टा कहां से आया। तुम जाकर अनीता से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? सारी दुनिया जानती है कि अनीता मर चुकी है, उसने आत्महत्या की थी। हाँ मुझे मालूम है, उसने आत्महत्या की थी। क्या? उसने मुझे खुद बताया है। क्या? हाँ
अनिता ने मुझे यह भी बता दिया है कि उसने आत्महत्या किसकी वजह से की है। बहुत बेचैन है तुम तीनों से मिलने के लिए। हम तीनों से मिलने के लिए? हाँ, और आज रात 12 बजे इसी बिल्डिंग के टेरेस पर वो तुमसे मिलेगी। ठीक 12 बजे। अच्छा, वो मिलेगी टेरेस पर? अनीता ने बताया तुझे? हाँ, उसने कहा तुम तीनों को बता दो। तो कल रात को क्यों नहीं बताया तूने मुझे? तुम लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे कि अनीता है कि भी नहीं, और अगर विश्वास नहीं है तो जाकर टेरेस पर क्यों नहीं देख लेते? आज रात 12 बजे। सीनियर से बकवास करता है, दू क्या कान के नीचे? चल बंद कर अपनी ये फेकम फाकी। क्या ये भी फेकम फाकी है कि जिस दिन अनीता ने आत्महत्या की थी उस दिन तुमने कुछ जलाया था? बोलो, याद है ना तुम्हें? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। डराने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूं कि तुम आलोकेश ही हो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। बंद करो मजाक, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो तुम ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो मगर तुम्हें मारने आई हूं। अनीता प्लीज, अनीता मैंने कुछ नहीं किया, अनीता मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान हूँ, क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी। मैं पूरे होश और हवास में इन सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। चाहिए था क्या? अरे तुझे तो केमिस्ट्री नोट चाहिए, बुकशेल्फ पर रखे, ले ले।
हशीम, हशीम, अरे यार तू टेढ़ा क्यों हो रहा है? तो आज अलोकेश से मिलने वाला था ना, उसने अनीता के रूम के बारे में कुछ बताया या नहीं? तू ऐसे क्यों देख रहा है यार? आर यू ओके? कुछ बोलता क्यों नहीं? अलोकेश से मिला या नहीं? हाँ मिला था अलोकेश से। लड़की की आवाज, कुछ गड़बड़ है वरना हाशिम, कहीं कहीं हाशिम और अलोकेश के बीच कुछ हुआ तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। रोहित, 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 क्या हुआ कार्तिक? रोहित तुझे पता क्या हुआ? हशीम आया था और पता नहीं उसे क्या हो गया यार, वो लड़की की आवाज में बात कर रहा था। लड़की की आवाज में? हाँ यार, और उसका चेहरा भी टेढ़ा हो गया। कोई बड़ा मजाक कर रहा है क्या? जब से वो अलोकेश से मिलकर आया ना, तभी से उसे कुछ हो गया। शायद तेरा वहम है। अरे कैसा वहम यार, वो मेरे कमरे में आया था, मुझे अजीब तरीके से देख रहा था और तुझे पता है वो अनीता की आवाज में बात कर रहा था। अनीता की आवाज में? मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ यार, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो चल अपनी आंखों से देख ले। कम क्या सोच रहा है यार? ओके आज चलो। ये तो सो रहा है यार। हाशिम, 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 हाशिम उठना, हाशिम, हाशिम, हाशिम उठना, हाशिम, 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 हाशिम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब तुम्हारे गुनाहों का पर्दा जल्दी ही उठने वाला है। ये तू क्या मजाक कर रहा है यार? तुम्हारे किए की सजा तुम्हें बस मिलने ही वाली है। ये तो लड़की की आवाज कहां से निकाल रहा है? हाशिम, ये ड्रामा बाजी क्या कर रहा है यार? हाशिम, 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 हम तेरे दोस्त हैं। अच्छा क्या हो गया तुम्हें? नहीं कोई है? राजेश, राहुल, जल्दी आओ। अशिम रिलैक्स, अशिम, अशिम, अशिम रिलैक्स, अशिम, 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 उस लोकेश की चाल है, बदला लेना चाहता है वो उनसे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसी ने हशीम को अपने साथ मिलाया है ताकि वो हमें परेशान कर सके। ये सब ड्रामा है हम दोनों का, ये लड़की की आवाज वगैरह, उसको तो मैं ठीक करता हूं। तू बस ये पता लगा करा कि अलोकेश का बच्चा है कहां। अलोकेश, अलोकेश जी, अलोकेश कहाँ है? वही जी, कल से मैंने भी नहीं देखा उसे, लेकिन कल वो हशीम के साथ था। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, लेकिन आप अशीम से पूछ लीजिए, उसे ही पता होगा। कल से अलोकेश रूम पे नहीं आया? नहीं, इनफैक्ट मैं भी हैरान हूँ कि वो गया कहाँ।
देखिए, मुझे लगता है कि इसने कोई बहुत भयानक सपना देखा है और इसी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? इसे आराम की सख्त जरूरत है। आप इसे इसकी फैमिली के पास भेज दीजिए। मेरे ख्याल से माहौल बदलेगा तो ये सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है डॉक्टर, हम ऐसा ही करेंगे। मगर डॉक्टर, अशिम की आवाज को क्या हो गया है? वो लड़कियों की तरह क्यों बोल रहा है? कभी कभी डर की वजह से भी ऐसा होता है। हमारे अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे विचार छुपे रहते हैं और किसी शौक की वजह से वो सब बाहर आ जाते हैं। पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द इसे घर भेजने का इंतजाम कीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर। कार्तिक जी, तुम्हारे पास अशीम के घर का नंबर? जी हाँ, वो मैंने डायरी में लिखा हुआ है। तो चाह लेकर ला दो। गो। ये क्या? बदला अशीम, बदला बदला अशीम, तुम्हें क्या हो गया? अपने आप को संभालो अशीम। बदला लेना है मुझे, कार्तिक को उसके किए की सजा दिलवानी है मुझे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसमें आओ अशीम, बदला लेना है कार्तिक से, वो तो तुम्हारा दोस्त है। बदला लेना है मुझे कार्तिक से, बदला। डॉक्टर आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? अशिम रिलैक्स, रिलैक्स अशिम। उसी ने मेरी मौत को एक राज दिया है। जब मैंने आत्महत्या की तो एक लेटर लिखा था, वो लेटर उसकी ब्राउन डायरी में है। मुझे वो लेटर चाहिए, मुझे वो लेटर चाहिए। लेट मी चेक। बता लेना है मुझे, कार्तिक को उसके किए की सजा देनी है मुझे। अशिम देखो, तुमने जो सपना देखा उसे भूलने की कोशिश करो। अभी चुप कर डॉक्टर के बच्चे। मैंने कहा ना मुझे लेटर चाहिए, क्योंकि वो लेटर ही साबित कर सकता है कि मैंने आत्महत्या क्यों की। मुझे वो लेटर चाहिए, जाओ वो लेटर लेके आओ। एक लड़का, लड़की की आवाज। डॉक्टर, डॉक्टर कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर एक लड़का लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? अशीम डॉक्टर आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? कुछ गड़बड़ है, खराब होती जा रही है। अशीम लेटर चाहिए, अशीम मुझे वो लेटर चाहिए। अशीम संजीव जल्दी से मेरे चैंबर में लेटर लेके आओ, फास्ट लेटर लेके आओ। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान, क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी है। मैं पूरे होश हवास से इस सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। ये तो अनीता का सुसाइड नोट है, मगर ये यहाँ कैसे? अगर किसी ने इसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। कार्तिक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। ये काम आपको ही करना होगा सर। कार्तिक को सजा मिलनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इंजेक्शन के बाद कॉटर। यस, वो सुसाइड नोट कार्तिक की ब्राउन डायरी में है। मुझे वो सुसाइड नोट चाहिए, वो लेटर चाहिए मुझे। डॉक्टर, डॉक्टर मुझे अशीम की पूरी बात सुनिए। जो कुछ भी कह रहा है उसमें कितना सच है इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। अशीम, कार्तिक की ब्राउन डायरी में मेरा सुसाइड नोट रखा है। कार्तिक की अनीता का खूनी है, उसे सजा दिलवाओ, उसे सजा दिलवाओ। ये बार बार किस लेटर की बात कर रहे हैं? डॉक्टर मुझे एक बार जाकर कार्तिक की डायरी चेक कर लेनी चाहिए, देखे तो सही वो लेटर वहां है कि नहीं। कार्तिक
मुझे तुम्हारा कमरा चेक करना है। मगर क्यों सर? आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर? मुझे तुम्हारी वो ब्राउन डायरी चाहिए। सर डायरी तो वो रही। वो लेटर कहाँ है जो अनीता ने लिखा था? कौन सा लेटर सर? अनीता मुझे लेटर क्यों लिखेगी? इनफैक्ट मुझे किसी लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। सर लगता है आप भी अशीम की बातों में आ गए। इस डायरी में तो वो नंबर है जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था। पता नहीं सर अशीम को क्या हो गया, वो मजाक पर मजाक किए जा रहे। मुझे अभी आशीम को चुप कराना ही होगा और ये पता लगाना होगा कि आलोकेश अनीता के सुसाइड के बारे में क्या जानता है। कहाँ गया आलोकेश का बच्चा? मुझे लगता है भाग गया डर के। मगर पता तो लगाना ही होगा ना कि आखिर वो गया कहाँ। उसे ये सब पता कैसे चला जो आज तक किसी को नहीं पता? वो कोई खेल खेल रहा हमारे साथ। मुझे तो लगता है वो अशीम भी मिल गया उसके साथ। यार मुझे भी इसी बात का डर है। मगर अशीम फंस कैसे गया उसके चक्कर में? अरे अशीम तो एक कठपुतली है, जो चाहे वो उसे वैसे ही भगा सकता है। तो अशीम से क्यों नहीं पूछता कि कल हुआ क्या था जब आलोकेश से मिला था? तो खुद क्यों नहीं पूछ लेता? अरे नहीं यार, वो मुझे देखते साथ ही पागलों तक कूद पड़ता जैसे मुझे खा जाएगा। इस बार तुझे ही पूछना पड़ेगा, प्लीज। ओके मैं ही कोशिश करता हूँ। अरे रोहित तुम? सर मैं वो बस अशीम को देखने आया था। चलो अच्छा हुआ, मैं चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रख। यस सर। अशीम अब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। तुम लोगों को भी उसी तरह सजा मिलेगी जैसे यहां मुझे मिल रही है। सजा को छोड़, मुझे तो तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं जब से उस बेवकूफ आलोकेश से मिला है तब से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बक नहीं रहा हूं, तुम लोगों को सावधान कर रहा हूं। एक बार जो गलती कर चुके उसे दोबारा मत करो। और हाँ, कार्तिक की तरफदारी करना बंद करो वरना बहुत पछताओगे। पछताओगे तो तुम और तुम्हारा वो बेवकूफ दोस्त आलोकेश। सीधे सीधे बताओ मुझे कहाँ छुपा है वो? मेन बिल्डिंग की छत पर अनीता के साथ। क्या अनीता के साथ? मुझे लगता है तेरी तबीयत के साथ साथ तेरा दिमाग भी हिल गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अनीता की एक और निशान। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। क्या हुआ रोहित? नहीं नहीं कुछ नहीं। अनीता के बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं पूजा। रोहित मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक मुझे लगता है अशीम ठीक कह रहा है, अनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे डर के मारे तो दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें सोचा, भला मरकर भी कोई वापस आता है बेवकूफ कहीं का। लेकिन अनीता वापस आ गई है, अशीम सच कह रहा है। सच तो एक से डर लग रहा है ना? लेकिन कार्तिक मेरे ख्याल से आलोकेश को हमारे राज के बारे में पता चल गया है और वो पूजा के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं मगर अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ कम।
अलोकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अशीम ने तो यहीं पे बोला था। वो देख, वो रहा। कम हीरो, तेरा ड्रामा बहुत हुआ। ये आत्मवादमा का नाटक छोड़ और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। अब की बार अनिता तुम्हें नहीं छोड़ेगी और इस बार वो अपना बदला लेकर रहेगी। अच्छा, जैसा हाल तुमने उसका किया था ना, वैसा तुम्हारा होगा। अच्छा, तुझे कैसे पता ये सब? हाँ, अनिता ने खुद मुझे बताया। बकवास है ये सब। अनिता मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, तो अनिता तेरे पास वापस आके ये सब कैसे बता सकती है? ये लो। क्या ये? इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहां से मिला ये? मैंने कहा ना, अनिता ने दिए हैं मुझे। बस बंद करो अपना ये बकवास। भला मरी हुई लड़की फोटो कैसे दे सकती है? और अशीम को तूने अपने जाल में कैसे फंसाया? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये फोटो कहां से चुराई? मेरी बात मान जाओ वरना बहुत पछताओगे। उस रात तुम ही गए थे ना अनीता के कमरे में? हाँ, तो चुपचाप बताओ मुझे उस रात अनीता के कमरे में क्या हुआ। बताओ अनीता ने आत्महत्या कैसे की थी। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वही रूम नंबर 105, कमरा नंबर 105। क्या? हाँ, यही एक रास्ता है सच जानने का। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे जैसे उस दिन मैं गया था। पे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था और अनिता वहां बेड पर सोई हुई थी। कहां? वहां बेड पर। फिर मैं डरते हुए दबे पांव अंदर गया अनिता के पास। धीरे धीरे मैं अनिता के पास गया। आकर मैंने पहले उसे जगाने की कोशिश की। अनीता, वो एक सड़ी हुई लाश थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा और मैं बहुत दर्द हुआ और मैं आलोकेश, हो गया तेरा? आलोकेश बस कर यार। आलोकेश, तुम ये हाँ कार्तिक, लेकिन मैं तो मेरी जान ले ली। अब तुम्हारी बारी है जान देने की। इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा ही होगा कार्तिक। अनिता ने मेरा सहारा लिया तुमसे बदला लेने के लिए। अब उसका बदला पूरा होगा, पूरा होगा। मैं
मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब तुम्हें डराने के लिए था लोकेश। मजाक ने मेरी जान ले ली। अनीता, तुमने मजाक किया होगा मगर मैं मजाक नहीं करूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों कार्तिक, क्यों धोखा किया तुमने मेरे साथ? अनीता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों कार्तिक, क्यों माफ कर दूं तुम्हें मैं? पर मैं, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया? ए टीटो, कहाँ जुबा है तू? कहाँ जुबा है, कहाँ जुबा है, हैं? हाँ, पकड़ लिया। तैयार हो जा बच्चू, बोल आज किस पे अटैक करेगा, हैं? क्या बोल, बोल बे। ये ले अपनी तलवार, चला दे जिस पर तेरा जी चाहे, चला दे। क्या बात है, मेरे को नहीं बताओगे? बोलो क्या बात है, चलो मत बताओ, मत बताओ। ये लो अपनी तलवार और चला दो उस पर जिस पर तुम्हारा जी चाहे, चला दो। टीटो तू ना घबराना रे, टीटो मार के आना रे। मुझे कब से रात का इंतजार था, और ये रात बड़ी रात होगी, उन्हीं खेली रात, और ये रात मुझे मेरा साथ दिलाएगी। अरिहन, आज तो तुमने कमाल ही दिखा दिया। You're absolutely great. मैंने आज तक लोगों को किसी भी शो में ऐसे पागल होते हुए नहीं देखा। ये तो कुछ नहीं है स्वीटहार्ट, तुम मेरा अगला शो देखना, इससे भी जबरदस्त होगा। उसे देखकर लोग कहेंगे अरिहन is the best puppeteer in the world. कुछ अलग है, something different? एकदम different. देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ। तुम्हें ये सारी आइडियाज आती कहां से अरिहन? यहां से, यही है मेरा खजाना, और इस खजाने के जरिए मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, बहुत सारा पैसा। पर इस सुंदर सी कन्या का क्या होगा? क्या होगा? शादी कब होगी? हाँ, शादी हो जाएगी जल्दी। जल्दी क्या है कविता, मतलब हम लोग वैसे भी पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो जब पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो पति पत्नी बनने में क्या हर्ज आ रही है? कविता तुम, एक्सक्यूज मी सर। हाँ मुकुल आओ। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर मेरा एक सपना है सर, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा पपेटियर। मेरी तरह बनना चाहते हो, बहुत बड़े पपेटियर? पपेटियर्स पेड़ पे लगते हैं क्या? थोड़ा सा वक्त लगता है मुकुल,
यहाँ पर मेरी इजाजत के बगैर कठपुतलियों को कोई नहीं छू सकता। तुम बस मेहनत करो और समय का इंतजार करो। चलो कविता। करूंगा सर, मेहनत करूंगा, बनूंगा आपकी तरह। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शायद कोई भागा वहां से, लगता कोई चोर है, पर ये जा कहां रहा? ओह नो, ये तो कठपुतली वाले कमरे में जा रहे। यहां तो कोई भी नहीं है, कहां गया वो? ऐसे कैसे गायब हो सकता है वो आदमी? वो कठपुतली, उसने मुझे मारने की कोशिश की सर। मुझे ये देखिए, क्या ये देखिए, देखिए मैं उस कठपुतली ने तुम्हें मारा? हाँ पी रखी है तुमने? नहीं सर, नहीं, उसके 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 हाथ में खंजर है सर, खंजर है। और उसने उस खंजर से तुम पे वार किया, क्यों? हाँ सर, सर वो हमारी तरह चल भी सकता है, वो बोल भी सकता है। टीटो चल सकता है और बोल भी सकता है? हाँ 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 सर। चलो चल के देखते हैं, आओ। ये बेचैन नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए, आप देखिए इसे। इससे डर गए तुम मुकुल? हाँ, ये बेचारा किसी को क्या मारेगा, ये तो सांस तक नहीं ले सकता। पपेटियर बनना चाहते हो ना तुम, और पपेट से ही डर गए? अजीत, शो का टाइम हो रहा है, मैं स्टेज पे जा रहा हूं। टीटो को जल्दी तैयार करो और स्टेज पे आ जाओ। चलो तुम लोग चलो। चलो सब लोग, सुना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, पूर्ति करो, समझ लिया तुमने? फालतू बकवास नहीं है मेरे को तुम्हारी। क्यों बे टीटो, मैंने सुना है तूने कल रात में मुकुल को डरा दिया है? सही। अरे यार बच्चा है, डर जाएगा, डरा उसको, ये तो मर ही जाएगा बेचारा। क्यों पप्पू, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है बे? देखना ही है तो मेरे टीटो को देख, कैसा डरावना और खूनी लगता है। टीटो कुछ कर, नहीं तो आज के शो में भी वो हीरो तेरी हीरोइन को भगा ले जाएगा।
अभी वक्त है टीटो, खत्म कर दे उसको, मार दे, खून कर दे उसका टीटो, खून कर दे उसका, खून। मतलब कल रात वो सब इस अजीत ने किया था? ये आदमी तो बहुत खतरनाक लगता है, इससे तो मुझे बचकर रहना होगा। अजीत टीटो को लेकर कुमार, अजीत को बोलो उस विलन पपेट टीटो को तैयार करके जल्दी लेकर आए। जी सर, अभी उसका सीन आने वाला अगले, जल्दी इस तरफ। अजीत जल्दी कर यार, टीटो का सीन आने वाला है। दो मिनट। जा टीटो, जा, तेरा कोई इंतजार कर रहा है टीटो, जा और खून से अपनी प्यास बुझा ले, चला जा और खून से अपनी प्यास बुझा जा। टीटो तू न घबराना रे, टीटो पिटना जाना रे, टीटो मार के आना रे। संभाल के ले जा, आज ये किसी का बदला लेगा। जा अपना बदला ले टीटो, जा ले जा, जा टीटो जा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बॉस ने अजीत को काम पे क्यों रखा। पागलों जैसी बातें करता रहता है, एक ना एक दिन ये पागल जरूर कोई गड़बड़ करेगा। अजीत अभी तक आया नहीं, सीन शुरू होने वाला है और टीटो अब तक आ जाएगा। आ जाएगा लेकिन कब? सीन खत्म होने के बाद। जाओ जाके देखो काम और क्या, जाओ देखो, जल्दी जल्दी संभाल के इस तरफ। कविता इस पे आ जाओ, संभालो उसको। मुकुल गया उस अजीत को देखने, पता नहीं कहाँ रह गया वो टीटो के साथ। अरे इसे किसने मार दिया? ये किसी इंसान का काम तो लगता ही। पर फिर कौन हो सकता है? किसने किया कुमार का खून?
डर के मारे तुम पागल हो गए हो मुकुल, तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से हिल गया है। नहीं सर, सर मैं सच कह रहा हूं सर, कुमार का खून पपेट नहीं किया। नामुमकिन है मुकुल, एक कठपुतली किसी इंसान को कैसे मार सकता है, ये हो ही नहीं सकता। पता नहीं सर, मगर ऐसा ही हुआ है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा सर? आप मुकुल, पपेट नहीं खून किया है सर। ये पपेट है सर, इसी ने खून किया। ये यहां कैसे आया? ये मेरा पपेट नहीं है। ये आपका पपेट नहीं है? ये यहां कैसे आ गया? विराज को मरे हुए तो 2 साल हो गए। तो फिर ये कठपुतली यहां लेकर कौन है? कहीं तुम तो नहीं लेकर आए इसे? मैं क्यों लेकर आऊंगा सर? अजीत तुम बताओ ये यहां कैसे आया? ये अपना टीटो है सर जी। बेवकूफ, ये टीटो नहीं है, ध्यान से देखो। टीटो है सर जी। सर मैंने आपसे कल ही कहा था ना सर, ये पपेट नहीं है, ये कुछ और है सर। मैंने अपने कानों से सुना था, ये अजीत इसे कह रहा था। वो बोल तो ज्यादा मत डरा ना, वरना वो तो डर ही जाएगा। क्या बात है, कुछ याद आ गया है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है। उस मुकुल ने तो बिना बात के हंगामा खड़ा कर दिया। भूल जाओ सब, चलो सो जाओ। कविता प्लीज, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ, समझी तुम? साहब साहब, अब क्या मुसीबत आ गई? साहब साहब, आपसे मिलने अजीत आया साहब। अजीत इस वक्त? इस वक्त क्या काम हो सकता है उसे? पता नहीं रहा साहब, पर कहता है कि बहुत जरूरी काम है आपसे। इतनी रात को क्या काम हो सकता है उसे? अरिहन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम संभल कर रहना। हाँ मैं देखता हूँ। कहाँ पर? बस वो दरवाजे के पास खड़ा साहब। मतलब? वो अंदर नहीं आया, वो कह रहा है मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्यों? खतरा है? हाँ साहब। चलो। अजीत, क्या बात है, अंदर आ जाओ। अजीत, ये तुम्हें क्या हो गया? अजीत को ये क्या हो गया? ये तो कठपुतली जैसा बन गया। भाई कविता, मुकुल ने सही बोला था, मुझे देखना होगा बाकी कठपुतलियां ठीक हैं या नहीं, कहीं वो भी।
चाहते क्या हो तुम? तू ही मेरी मौत का जिम्मेदार है आर्यन, अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। लेकिन तुम हो कौन? विराज, याद करो आर्यन, विराज। तुम विराज? हाँ, मैं ही वो विराज हूँ, वही विराज जिसे धोखा देकर तुमने सब कुछ छीन लिया, मैं वही विराज हूँ। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा, मेरा जो कुछ तूने छीना है वो मुझे वापस चाहिए, वापस। लेकिन अभी तो तुम मरे हुए हो, ये सब लेकर तुम करोगे क्या अभी? अरिहन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरिहन! सर! दरवाजा खोलो अरिहन! नहीं विराज, नहीं, तुम नहीं मार सकते मुझे। अरिहन! तुम नहीं मार सकते मुझे। अरिहन! अरिहन, क्या हुआ? अरिहन! सर! तोड़ दो दरवाजा! दरवाजा तोड़ दो! अरे क्या हुआ? नहीं, नहीं! तोड़ दो दरवाजा! क्या हुआ सर? ये वाला पपेट, ठीक कहा था मुकुल तुमने, इस पपेट में जरूर कुछ गड़बड़ है। क्यों, करा क्या है इसने? मेरी जान लेने की कोशिश की इसने। नहीं विराज, नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है मुकुल। इस कमरे में जितने पपेट्स हैं सारों को एक बक्से में डाल के खत्म कर दो सबको, चला दो सबको, चला दो सबको। लेकिन सर मेरा क्या होगा, मैं कहां से सीखूंगा? मैंने कहा चला दो सबको, सुना नहीं तुमने? चला दो सबको बस। ये आवाज कहां से आ रही है? यहां बहुत दम घुट रहा है मुकुल, हमें बचा लो, बचा लो, हमें बचा लो मुकुल, हमें बचा लो। हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है। शायद इस ट्रंक से आ रही है। यहां बहुत दम घुट रहा है मुकुल, हमें बचा लो। मुकुल, खत्म कर दिया तुमने उन कठपुतलियों को? हाँ सर, खत्म कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया। अब उनमें से कोई भी कभी भी वापस नहीं आएगी। बहुत अच्छा किया मुकुल तुमने, बहुत अच्छा किया। लेकिन लेकिन पक्का तुमने उन सब कठपुतलियों को खत्म कर दिया है ना? जी हाँ सर, हमेशा के लिए।
वाह बुकुल, वाह वाह। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी को दूर किया है। और हाँ, तुम घबराओ मत, हमारी दुकान बंद नहीं हुई है। मैं सारे नए पपेट्स लेकर आऊंगा, एकदम नए अच्छे वाले। हाँ, लेकिन ये भी तो अच्छे थे सर। नहीं मुकुल, नहीं, वो सारे विलन पपेट्स थे। हाँ सर, लेकिन उन्हें खत्म करने की क्या जरूरत? जरूरत थी। मेरे असिस्टेंट हो या मेरे दुश्मन हो तुम, मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना चाहिए था। मेरा जनाजा निकलेगा तभी तुम्हें खुशी होगी, क्यों? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें एक बहुत बड़ा पपेटियर बनना है ना? जी हाँ सर। बस तुमने मेरा काम किया है, अब मैं तुम्हारा काम करूंगा। मैं बनाऊंगा तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा पपेटियर, द बेस्ट पपेटियर इन द वर्ल्ड। हाँ, आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, सिर्फ पपेट्स ही पपेट्स हों। अरिहन जीत गया। अरिहन, अरिहन संभालो अपने आप को, तुम्हारी इस खुशी को देखकर डर लग रहा है मुझे। डर? कैसा डर? अब सारे डर इस घर से जा चुके हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तुमने सारी की सारी कठपुतलियों को क्यों जलवा दिया? उनमें से एक ही तो खराब थी। खूनी थे वो सब, सब के सब मेरे खून के प्यासे थे। और वो टीटो, उसकी तो बात ही मत पूछो। हाँ, वो तो वाकई बहुत खतरनाक था। हाँ, लेकिन क्या तुम जानती हो, वो दरअसल कठपुतली था ही नहीं, वो विराज की आत्मा थी। विराज की आत्मा? हाँ, विराज की आत्मा घुस गई थी उसमें। लेकिन तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, एक और बात, तुम जानती हो विराज की मौत शराब पीने से नहीं हुई थी। फिर कैसे हुई थी उसकी मौत? बड़ी दर्दनाक मौत मरा वो बेचारा विराज। अरिहन, अरिहन, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मैंने तुम्हारे भरोसे कंपनी छोड़ी और तुमने मुझे ही निकाल दिया। तमीज से बात करो, तमीज से। बॉस से किस तरह बात करते हैं नहीं मालूम? बॉस, तुम कल तक मेरे नौकर थे। वो कल की बात थी सर, सॉरी सर, निकल गया गलती से मुंह से, आदत बदली नहीं अभी। खैर, ये बताओ मेरी कंपनी में काम करोगे? तुम्हारी कंपनी? ये मेरी कंपनी है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मत करना, अभी चुपचाप यहां से निकल लो, चलो, वरना धक्के देकर इस ऑफिस से बाहर निकलवाऊंगा तुम्हें। आउट, चल। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं बदला लूंगा। तो क्या करता? किसे पैसे नहीं चाहिए और वो देता ही नहीं पैसे, और वो बेचारा जीते जी तो मुझसे बदला नहीं ले सका, तो मरने के बाद इन कठपुतलियों के सहारे मुझसे बदला लेना चाहा, लेकिन नाकामयाब रहा, नाकामयाब रहा, वो जीत नहीं सका मुझसे। जीता तो मैं, अरिहन, मैं जीत गया। लेकिन अगर वो वापस आ गया तो? नामुमकिन, वो वापस नहीं आ सकता, कभी नहीं। उसके वापस आने का एक ही रास्ता था, एक ही माध्यम था, वो कठपुतली टीटो, जो अब नहीं रही, और उसके साथ बाकी सब गई, सब जल गई। मगर वो कठपुतली वहां आई कैसे?
बस यही एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि विराज की वो कठपुतली मेरे शो में पहुंची कैसे। अजीत लाया होगा। अजीत? उसके अलावा और कौन हो सकता है? अगर अजीत वो कठपुतली वहां लेकर आया तो उसने उसे क्यों मार दिया? क्यों मार दिया टीटो ने उसे? अगर अजीत ने नहीं लाया तो फिर और कौन लाया होगा? सकते हो तुम? चले वो पपेटियर बनने। सर, सर, सर मैं क्या करूं सर? सर ये अपने अपने आप मुंह कर रहा है सर, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सर ये। पागलों जैसी बात मत करो। कोई पपेट अपने आप कैसे चल सकता है? ये सब कठपुतलियां हैं, लकड़ी की पुतलियां बस। नहीं सर, आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप हिलते जा रहे हैं, चाहे तो आप यहां खुद आके देख लीजिए। बकवास बंद करो। कविता जाके देखो जरा, जाओ। शट अप कविता, सबके सब पागल हो गए हो तुम, पपेट जिंदा हो गया। और ये बात मैं मान लूं ना, मैं देखता हूं। ये पपेट, ये पपेट यहां कैसे? गुल ने तो कहा था कि उसने सारे पपेट्स को खत्म कर दिया था, तो फिर मुकुल, ने मुझे मारा नहीं उस दिन। मतलब? हाँ, मुकुल भी लालची है तुम्हारी तरह। मालूम है क्या हुआ था उस दिन? बदला लेना है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्यों? तुम हो कौन? मैं विराज, विराज नाम है मेरा। विराज? वो फेमस विराज, वो मशहूर पपेटियर? हाँ,
अब प्लीज प्लीज मुझे आजाद कर दो प्लीज। मगर तुम अरियान को मार दोगे तो मेरा पपेटियर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं सिखा दूंगा, मुझे अरियान से बदला लेना है, मुझे बदला लेने दो, बस अरिहन के मरते ही तुम कंपनी के मालिक बन जाओगे, मालिक, कंपनी के मालिक, समझ गए? देर मत करो, जल्दी सोचो, जिंदगी में नौकर बन के रहना है या मालिक बन के? हाँ? मालिक बन के? नहीं, ये नहीं हो सकता। विराज को खत्म कर दिया मैंने, टीटो को खत्म कर दिया, सबको मार दिया मैंने, सबको मार दिया मैंने। मदद की थी नहीं? इसे नमक की कीमत मालूम नहीं है, ये नमक हराम है, इसने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे भी देगा? नहीं, नहीं, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। कविता, कविता कुछ लाके दो मुझे, इससे पहले कि ये मुझे मार दे मैं इसे खत्म कर देता हूँ, कुछ दो मुझे जल्दी कविता। अब तलवार बरबार का कोई फायदा नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कविता, ये क्या कर रही हो तुम? सही कर रही हूं मैं। मालूम है विराज की आत्मा को यहां कौन लाया? तुमने? हाँ, मैं, जो विराज की आत्मा को यहां लेकर आई। मैंने ही उसकी मदद की थी ताकि वो पपेट की मदद लेकर तुम्हें खत्म कर सके। लेकिन क्यों कविता? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं विराज से प्यार करती हूँ, शादी होने वाली थी और तुमने? विराज से शादी करने वाली थी तुम? हाँ, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, मेरी जिंदगी से मेरी हर खुशी छीनी और अब ये पपेट तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनेगा, मार डालेगा वो तुम्हें, खत्म कर देगा। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।